हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। अभी आज मैं रुका था यहाँ, इधर से अभी मैं आया, खाना वाना खा के आराम किया था अभी। तो वहाँ होटल पे तो नहीं रुका था, वहाँ इधर से अभी आया था मैं। और आया तो यहाँ ये देखिए महुए के पेड़ के नीचे थोड़ा आराम किया। इधर हमारा मेट्रिक भी साफ हुआ था, बस यहाँ भी मैं 2 घंटे अभी मैं रुका हूँ। तो नहीं, 1.5 घंटे रुका यहाँ पे। अभी फिर से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि थोड़ी हवा तेज हो रही है और बादल भी बन रहे हैं, तो इससे जल्द पहले कि कुछ बारिश हो जाए फटाफट से निकलते हैं आगे। और थोड़ा जल्दी से बस सामान हमारा उठाते हैं और बढ़ेंगे आगे। पावागढ़ की ओर बढ़ रहा हूँ। आज सुबह से सिर्फ जंगलों में चल रहा हूँ, जंगल ही जंगल चल रहा है। और ना मोबाइल में कोई नेटवर्क है, ना गूगल लोकेशन भी नहीं देख पा रहा हूँ। बस लोगों से पूछते हुए, मदद लेते हुए आगे चल रहा हूँ। और यहाँ से करीब और 10 किलोमीटर आगे लोग बता रहे हैं कि एक धामाबाग ऐसा कुछ छोटा सा शहर है। तो आज शाम तक कोशिश रहेगी कि वहाँ पहुँच पाऊँ, क्योंकि छोटा शहर है या गांव भी है तो शहर से बात है, नेटवर्क तो थोड़ा रहेगा मोबाइल में। तो वहीं जाके थोड़ा काम भी करेंगे और रात में रुकने के लिए भी वही एक सेफ जगह रहेगी। तो अभी आगे चलते जा रहा हूँ और सुबह से बस चल रहा हूँ, जंगल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। आगे देखिए और कितना घना जंगल है, ये देखिए जंगल। आज सुबह से सिर्फ जंगल ही जंगली में चल रहा हूँ। गांव बस्ती तो बहुत मुश्किल से मिल रही है और लोग भी ज़्यादा नहीं मिल रहे रास्ते पे, सिर्फ और सिर्फ जंगल। अभी दूर तक देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, जहाँ तक देखो सिर्फ जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है। ये देखिए दोस्तों, अभी थोड़ा जंगल पार करके छोटी सी बस्ती मिली थी। देखिए बस ऐसी बस्तियाँ मिल रही, बस कहीं 2 मकान 4 मकान 10 मकान, इससे ज़्यादा तो कहीं भी नहीं है। और यहाँ आके पावागढ़ के लिए 2 रास्ते निकल जाते हैं। देखिए इधर पीछे से मैं आया हूँ, एक रास्ता ये इधर गया, ये देखिए, और एक रास्ता ये इधर गया। तो ये वाला जो रास्ता है थोड़ा लंबा पड़ेगा, लेकिन मैं इसी से जाऊंगा। इधर तो मैं शॉर्टकट पड़ेगा, लेकिन इधर जाऊंगा नहीं मैं, क्योंकि जंगल वाला रास्ता है। और मैंने मैप में देखा तो उधर कोई भी गांव या बस्ती मेरे को कुछ दिखाई दिया नहीं। ये इधर वाले रास्ते पर जाऊँगा तो थोड़ा चलने के बाद एक थोड़ा गाँव मिलेगा, तो आज शाम वहीं पे रुकने की व्यवस्था लगाना पड़ेगी, क्योंकि आज अभी 5 बज गए शाम के। और पावागढ़ भी यहाँ से 42 किलोमीटर दूर है, तो आज तो पहुँचना पॉसिबल नहीं रहेगा। तो अभी मैं इस लॉन्ग वाले रास्ते से जाऊँगा, क्योंकि थोड़ा घूमना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सेफ रास्ता है, तो अभी मैं इधर से ही जाऊँगा। तो चलो फटाफट से अभी पानी पीता हूँ, गला सूख रहा था, फिर निकलता हूँ आगे। अभी मैं पारोल पहुँचा था, यहाँ से करीब 20 किलोमीटर पहले मुझे किसी ने बताया था कि एक आश्रम मिलेगा राजराजेश्वरी, तो वहाँ पे आप रुक सकते हो। मैं भी गया था राजराजेश्वरी आश्रम, तो उन्होंने तो मना कर दिया कि आज रात में आप यहाँ नहीं रुक सकते, बोले सिर्फ संडे के दिन ये खुला रहता है। तो अभी फिर वहाँ से निकल चुका हूँ,
और आगे पारोल से आगे अब देखते हैं 15 किलोमीटर आगे और चलना है, बोले फिर कुछ मिल सकता है रुकने के लिए, कोई मंदिर या कुछ आश्रम। फिलहाल तो आगे बढ़ रहा हूँ, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, शाम ढलने वाली है। तो अभी देखिए जंगलों के रास्ते में धीरे धीरे अपने चेतक पे सवार होके आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, बाकी प्रभु की इच्छा। और ये देखिए रास्ते, कुछ ऐसे रास्ते हैं पावागढ़ के, और इन रास्तों में मैं और मेरे साथ हमारा चेतक चलो देखते कहाँ तक पहुँच पाता हूँ। और अभी मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो भाई साहब हमें आवाज़ लगा, इनके भाई साहब जो है हमें रास्ते में क्रॉस किए थे, तो शायद इन्हें कॉल करके इन्हें बोला कि एक बंदा है जो इधर साइकिल से जा रहा है यात्रा पे, तो आप उसे मिलिए, उससे बात करिए। तो मैं अभी यहाँ से गुज़र रहा था कि इनने मुझे आवाज़ लगाई और मैं आया, तो इनसे कहा कि क्या मैं रात में इधर रुक सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से 25 किलोमीटर दूर तक मुझे कुछ मिलना है नहीं। पीछे मैं एक आश्रम में गया था, माँ राजेश्वरी आश्रम है, तो वहाँ मैं गया था, वहाँ तो उनने मुझे मना कर दिया कि बोले यहाँ पे है तो अभी संडे भर खुला रहता है, बाकी तो कोई व्यवस्था हो नहीं पाएगी। तो मेरी कोशिश थी कि अब जो भी हो, माता रानी जो चाहे, तो मैं बस आगे बढ़ते चल रहा था, तो तेज़ी से यहाँ से मैं निकल रहा था, तो भाई साहब आवाज़ लगाए, तो मैंने इनसे कहा कि क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ, तो बोले हाँ ठीक है आप रुक सकते हो। ये देखिए इनका टीन का सेट यहाँ पे डला हुआ है, कुछ भोजन वोजन का भी कुछ, अभी शायद कुछ नया इनका कुछ बन रहा है, होटल या रेस्टोरेंट कुछ डालेंगे अभी। ये इधर देखिए अभी इनने पूरी व्यवस्था हमारी कर दी है खाट लगाने की। और भाई साहब ये एक चीज़ मैंने इधर बहुत यूनिक देखी कि इधर पेट्रोल जो है, देखिए जगह जगह मैंने देखा पेट्रोल मतलब खुला बिक रहा है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो इधर पेट्रोल तो आप कहीं भी जा सकते हो, पेट्रोल आपको हर जगह अवेलेबल हो जाएगा। और ये एक भाई साहब है जिन्होंने अभी आज हमें आश्रय दिया है। आपका शुभ नाम? गौरव। भाई साहब का नाम गौरव है और प्रकाश। प्रकाश गौरव और प्रकाश भाई साहब मिले, और ये देखिए बाबा महाकाल के भक्त भी मिले हैं, महाकाल के टी शर्ट पहने हुए। तो आज हमारा स्टे यहीं रहेगा, और इनके भाई साहब से भी हम मिलेंगे जो हमें रास्ते में मिले थे, इन्हें कॉल किया था, तो अभी उन्हें भी मैं वीडियो में लूँगा। तो अभी तो थोड़ा आराम करता हूँ, थोड़ा नहा लेता हूँ, पसीने बहुत हो रहे, मोर की आवाज़ आ रही पीछे बैकग्राउंड में। तो आज यहीं पर रहेंगे, खाने में देखते हैं जो भी है, नहीं तो फिर अपना है चूल्हा मैगी बनाएंगे, भाई साहब तो बोल रहे हैं खाने के लिए व्यवस्था हो जाएगी। तो भाई साहब की सेवा देखिए, मेरे पैर में दोस्तों थोड़े छाले हो गए हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चल रहा हूँ, अभी 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा चल ले रहा हूँ, तो ये अभी मेरे लिए स्लीपर लेके आए हैं, तो अभी नया तो इन्हें मिला नहीं, तो थोड़ा पुराना से ही था लेके आए हैं, पर ठीक है, थोड़ा जूतों से तो ठीक ही है, थोड़ा मैनेज हो जाएगा, या तो फिर देखते हैं थोड़ा समझेंगे इसको भी। तो आगे की अपडेट आपको दूंगा, अभी फ़िलहाल नहा लेता हूं, और फिर ये वीडियो में बस इनके भाई साहब आ जाते हैं, फिर वीडियो को बढ़ाएंगे आगे। जय माता दी, जय श्री महाकाल। ये भाई साहब है जो मिले थे हमें रास्ते में, जो बाइक से जा रहे थे, और मैं इधर आ रहा था तो इनने फ़ोन लगाया इनके भाई को, और फिर इनका कॉल चालू था कि मैं गुजर रहा था, तो इनने मुझे आवाज़ लगाई। और बाकी देखिए सभी भाई लोग यहाँ आ गए और सब पूछ रहे कहाँ से आए हो, क्या कहाँ जा रहे हो। तो बस भाई लोग का बहुत सपोर्ट है, बहुत खाने वाने के लिए मेरा बहुत कोई दिक्कत नहीं है, खाना भाई लोग ने मंगा लिया है, आज यहीं खाऊँगा और यहीं आश्रम में अपना, बस यही है आश्रम टीन का सफ़र।
तो बस क्या नाम? पंचमाल चाइनीज टॉप है। अच्छा, पंचमाल चाइनीज टॉप। अच्छा, पंचमाल चाइनीज टॉप तो अभी नया है ना, नया कि अभी चालू कर दिए? अच्छा, अभी नया है, तो ये नया है अभी इनका शॉप। तो बस आज का यहीं पे जर्नी को अभी यहाँ रोकेंगे और कल फिर पावागढ़ के लिए बढ़ेंगे आगे। पावागढ़ अभी कितना पड़ेगा? 15 किलोमीटर। पावागढ़ अभी 15 किलोमीटर है। मैं कोशिश थी मेरी कि मैं पावागढ़ जाऊँ, क्योंकि मुझे इधर रुकने के लिए कोई व्यवस्था मिली नहीं थी, पर ठीक है, माता रानी की इच्छा। तो अभी आज यहाँ रुका हूँ, बस अब फटाफट भोजन करता हूँ, आराम करता हूँ, फिर सुबह फिर आगे निकल जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री माता।